जनपद पंचायत में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद सदस्य ने गेट पर ताला जड़ दिया। जनपद सदस्यों ने सीओ को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। चिचौली जनपद पंचायत में इस ज्ञापन के बाद जनपद सदस्य काफी नाराज नजर आए। जनपद सदस्यों का वेतन 1500 रुपए से 2500 रुपए किए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा तमाम दूसरी मांगे भी उठाई गई। मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर सुभाष सिंह ठाकुर, सपना इवने, सुमन बिहारी, राजू धुर्वे सहित आधा दर्जन से अधिक जनपद सदस्य मौजूद रहे। सरपंच और जनपद सदस्य और प्रेरक लोग भी उपस्थित थे और कुछ गांव के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे आज की मीटिंग में। आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो डिलिस्टिंग कार्यक्रम आयोजित की जा रही है 31 जनवरी को, तो ये भव्य एक रैली निकालने के लिए आदिवासियों के ऊपर, जो अन्य समाज के लड़के लड़कियां शादी कर लेती हैं, तो उसके लिए भी एक डिलिस्टिंग का हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। और जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और फिर आरक्षण के रूप में उन लोगों को या तो अच्छे बड़े अधिकारी बन जाते हैं, और अदर समाज से शादी करने पर लड़कियों के साथ में भी बहुत सारे मतलब वो देखने को मिल रहा है कि जैसे जमीन लेना, और कभी कभी क्या है सरपंच के लिए, जनपद के लिए, कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए खड़े करके, और कहीं ना कहीं ये हमारे आदिवासी समाज के साथ में हानि है और हमारे आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है।